आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय वेलकम टू डाउटटर क्वेश्चन दे रखा है ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद सम वेलोसिटी इनटू ए विस्कस लिक्विड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट करेक्ट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ओके सो so, इसमें चार कर्व दिए हुए हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ए बी सी एंड डी ओके इनमें से कौन सा करेक्ट कर्व होगा ये बताना है ओके okay? सो so, केस है कि एक हमारे पास बॉल है ठीक है इसको किसी विस्कस मीडियम में वी सपोज करो इनिशियली वी नॉट स्पीड से फेंका गया है ठीक है तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है ठीक है लेट सपोज कि नीचे के डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं ठीक है एंड ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा साइन कन्वेंशन रहने वाला है ओके okay? सो so, अब देखो तो ये जो बॉल है इनिशियली वी नॉट स्पीड से फेंका गया नीचे की तरफ ओके okay? अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे ठीक जो इस पे फोर्स लग रहे होंगे वो एक नीचे की तरफ लग रहा होगा एम इसका वेट ओके एंड वेलोसिटी की वजह से ये सिंस की ये विस्कस मीडिया में ट्रेवल कर रहा है इस इसपे ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा जिसको ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ड्रैग एंड इसका जो वैल्यू होता है वो होता है सम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ओके जो विस्कस ड्रैग फोर्स होता है वो टी okay? तो कि पे इस बॉल की जो है, वो है, तो उस पे दो फोर्स लग रहे होंगे एक एमजी एंड ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लग रहा होगा जिसका वैल्यू होगा एफ डीवल टू के इंटू वीस्टेंट वी इज दी एट दैट इंस्टेंट ओके सो अब इसका एक्सेलरेशन लिखे हम लोग तो एक्सेलरेशन क्या होगा एक्सेलरेशन विल बी बीव टू नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है एम तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास ओके तो नेट फोर्स क्या है नीचे की तरफ माइनस ओके डिवाइडेड मास तो ये आ गया एक्सेलरेशन ओके एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी ओके दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो इसको लिख दिया डीवी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्व टू ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में वी विल गेट जी माइनस के बाई एम इंटू वी ओके अब देखो तो ये K एक कांस्टेंट वैल्यू है मास भी इस बॉडी का कांस्टेंट है ठीक है तो के बाई एम एक दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा जी माइनस सी समू वेलास्टिटी ठीक तो ये आ गया डीवी वाई डी टी का वैल्यू अब क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये टोटल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो वी विल गेट डीवी डिवाइडेड बाई जी माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू वी Equals टू डी टी ठीक है ये डी टी वाला टर्म इधर लेके चले अब दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक तो देखो हम लोगों को क्या मिलेगा इधर जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो होगा जीरो से टी ओके एंड इधर जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो होगा इनिशियली एट टाइम टी इक्व टू जीरो पे जो बॉल था उसका स्पीड कितना था वी नॉट ओके एंड टाइम टी इक्व टू टी पे बॉल की स्पीड हो गई है वी तो ये हो गया इंटीग्रेशन वी नॉट से वी अब क्या करते हैं इनको इंटीग्रेट in करके लिमिट पुट कर देते हैं ठीक है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस वन बाई सी एल एन जी माइनस सी एंड लिमिट है ये वाला जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड लेफ्ट में लिमिट पुट कर देते हैं ओके सो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर लगाएंगे, तो वी विल गेट एल एन जी माइनस सी डिवाइडेड बाई जी माइनस सी वी नॉट इक्व ये जो राइट हैंड साइड में है वो बन जाएगा माइनस कॉन्स्टेंट इंटू टाइम से करते हैं तो ये हो जाएगा पावर माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू टाइम ओके सो यहां से अगर v की वैल्यू निकाले ना तो ये देखो ये वाला टोटल टर्म इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी विल गेट

अब देखो तो ये जो वेलोसिटी है t इक्व टू जीरो पुट करेंगे इसमें तो हम लोग को मिलेगा वैल्यू v नॉट अगर टी तो ये, ये, so, uh, ये, so, ये अंदर वाला टर्म क्या बनेगा g माइनस जी कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस और माइनस प्लस तो अंदर वाला टर्म बनेगा c इन टू वी नॉट ओके बाहर है 1 c, तो एक्वल टू जीरो मिलेगा ओके एंड okay? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है ठीक है क्योंकि देखो तो ये एक्सपोनेंट वाला जो टर्म है वो माइनस में है ठीक है तो इनिशियली स्टार्ट हुआ V0 से ओके okay? एंड ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया ओके okay? ऐसा कर्व बनेगा v और t के बीच में ठीक है तो अब ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन b ठीक है एंड टीस टू जीरो यहां से स्टार्ट किया दैट इज ये वैल्यू होगा वी नॉट ओके एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चालू कर दिया है ओके okay?